अपना कर्ज चुकाने के लिए वाहनों की चोरी करने वाले एक शख्स को अजनी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर अजनी सहित विविध थानों में मामला दर्ज है। वहीं आरोपी से 6,55,000 का मुद्देमाल जब्त किया गया है। ऐसी जानकारी सहायक पुलिस आयुक्त गणेश बिरादर ने दी है। कई लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्जा लेते हैं और फिर बहुत बार उसे अदा करने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते लोग गलत कदम भी उठाते हैं। अब ऐसे ही एक आरोपी को अजनी पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो अपना कर्ज चुकाने के लिए वाहनों की चोरी करता था। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी प्रज्वल हटवर ये रसिका ट्रेवल्स में काम करता था और उस पर बहुत सारा कर्जा था। उसे चुकाने के उद्देश्य से प्रज्वल कंपनी में आई गाड़ियों की चाबी किसी बहाने अपने कब्जे में कर रात के समय गाड़ियां चुरा कर ले जाता था। इस बारे में पुलिस को पता चलते ही उन्होंने तांत्रिक चीजों का उपयोग कर आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इस संदर्भ में सहायक पुलिस आयुक्त गणेश बिरादर ने अधिक जानकारी साझा की। अजनी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय तलवारे डीबीची टीम PSI आशीष ठाकुर, खेमराज पाटिल, गजानन माहुलकर, अतुल दवंडे टीम ने एक महत्वपूर्ण गुन्ह्याचा तपास उघडकीस आणला आहे। यात रेकॉर्डवरील वाहनचोर प्रज्वल विजय हटवार याला अटक करून त्याच्याकडून 2 चारचाकी आणि 3 दुचाकी अशी वाहनं त्याच्याकडून जप्त केलेली आहेत। प्रज्वल विजय हटवार याची गुन्ह्याची पद्धत हा रसिका ट्रॅव्हल्समध्ये डेली वेजेसवर ड्रायव्हर म्हणून चालक म्हणून काम करायचा आणि काम करत असताना त्याला जेव्हा वाहनाच्या चाव्या वापरण्यात येत होत्या त्या चावी तिथंच न ठेवून देता ती चावी नकळतपणे गहाळ करायची आणि रात्रीच्या वेळेस येऊन ती वाहनं चोरून घेऊन जायची। अशा पद्धतीने त्याने एक इंडिगो कार आणि एक इनोवा कार अशा 2 कार चोरून नेलेल्या होत्या। अतिशय तांत्रिक CCTV माध्यमातून आणि गोपनीय पद्धतीने जी बातमी मिळाली त्याच्यावरून आमच्या DB टीमने याला पकडून याच्याकडून इतर 3 दुचाकीसुद्धा जप्त केलेल्या आहेत। एकूण अजनी पोलीस स्टेशनचे 3 गुन्हे व प्रतापनगर आणि गिट्टी खदान पोलीस स्टेशनचा 1-1 गुन्हा असे 5 गुन्हे डिटेक्ट करून एकूण 6,55,000 रुपयाचा मुद्देमाल अजनी पोलीस स्टेशनने या गुन्ह्यामध्ये जप्त केलेला आहे। कशासाठी चोरी करायचा काय आरोपी त्याच्याकडे जे तो कर्जबाजारी झालेला होता त्याचा कर्ज चुकवण्यासाठी म्हणून तो या पद्धतीचे गुन्हे करून मी कर्ज चुकवणार असं त्याचं तपासामध्ये पुढे तो सांगत आहे। निष्पन्न आतापर्यंत काही गाड्या बेचली होती का आणि आतापर्यंत कुठलीही त्याने गाडी विकलेली नाही, परंतु तो गाड्या विकण्याच्या बेतात होता। त्याच्यापूर्वीच आपल्या टीमने त्याला ताब्यात घेऊन ही कारवाई केलेली आहे। थँक्यू। पुलिस ने आरोपी से 2 कारें और 3 पहिया वाहन ऐसे कुल मिलाकर 6,55,000 का मुद्देमाल जब्त किया। वहीं पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा अटवा BCN न्यूज़ नागपुर।